हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोग को मेरे नए वीडियो पर स्वागत। दोस्तों आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग का एनिवर्सरी है, सालगिरह है। हाँ, तो आप लोग विश जरूर कीजिएगा कि हम लोग अच्छे से रहे, खुश रहे। और देखिए हमारी प्रिंसेस रानी भी यहाँ पे है मम्मा के साथ। तो एनिवर्सरी के शुभ अवसर पे अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने, योगिनी मंदिर जा रहे हैं दोस्तों। पथरगामा पे है स्थित है, पूरा फैमिली जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम है इधर, देखिए मम्मी जी है, देख सकते हैं। और देखिए इधर पवन जी है, इधर देखिए मिथुन जी है, मिथुन भाई कर दीजिए हाय। और देखिए इधर, देखिए मेरा भाई लोग भी आया है, मिस्टर सुमन। और इधर हाय, तो अकेला के लिए तो फाइनली गाइस, देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं योगिनी मंदिर, माता के मंदिर के जस्ट सामने है। और देखिए गाइस, इधर देखिए इतना ही दुकान वगैरह देख सकते हैं, चारों बगल दुकान ही दुकान है और बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ ही है। देखिए इधर नाश्ता दुकान है, इधर रेस्ट हाउस है देखिए, और माता को चढ़ाने के लिए चुंदरी वगैरह सब चीज़ बिक रहा है यहाँ, देख सकते हैं गाइस चारों बगल। और ये रहा मुख्य द्वार, और ये रहा माता के प्रांगण आंगन। देखिए अंदर में भी कितना ही दुकान वगैरह लग चुका है चारों बगल। प्रिंसेस की मम्मी देखिए सब सामान ले चुकी है, नारियल वगैरह डालीम सबके ले लिए है, मम्मी भी ले ली है। और इधर करिश्मा देखिए जल ली हुई है, क्या करिश्मा। और कम्प्लीटली गाइस, अब हम लोग देखिए मैया का मंदिर ये रहा। पीछे से लो तो मोबाइल ऊपर कर दो। और देखिए दोस्तों, मेरे पीछे देखिए ये है बरगद का पेड़ है। माना जाता है दोस्तों कि जिसको भी अपना मनोकामना पूरा करना है तो वो यहाँ आते हैं अपना मनोकामना को लेके, और पत्थर लेके इसे बांध देते हैं इसी पेड़ के नीचे देखिए। और बहुत ही पुराना पेड़ है, बहुत ही सदियों का पेड़ है, लगता है 100 वर्ष से भी पुराना पेड़ होगा। और यहाँ सबको अपना पत्थर बांध देते हैं, मतलब जो भी मनोकामना लेकर आते हैं पत्थर बांध देते हैं चुनरी में लेके। और जब दोस्तों जब जिसका मनोकामना पूरा होता है तो वो इसको आके एक खोल देते हैं। बताइए कि यहाँ क्या कैसा माहौल है, कैसा है मम्मी? माहौल अच्छा है, अच्छा है ना। पूजा पाठ आपका हो गया? हो ही रहा है। और देखिए दोस्तों, पवन जी देखिए बांध रहे हैं अपना मन्नत को, बांध रहे हैं मन्नत मांग के बांधना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, प्रिंसेस की मम्मी को देखिए अभी सिंदूर देगी, महिलाएं भी यहाँ पे प्रभाव लोग आए हुए हैं, वो सिंदूर देगी प्रिंसेस की मम्मी को। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग का पूजा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था फ्रेंड्स, तो हम लोग पूजा बहुत अच्छे से कर लिए हैं। तो चलते हैं अब घर की ओर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पूजा करके आ चुके हैं घर। तो हमारे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा फ्रेंड्स, और हम लोग पे प्यार बनाए रखिएगा। हाँ, तो गए सालगिरह भी हो गया, सालगिरह मतलब मना ले सालगिरह के शुभ अवसर पे ही हम लोग गए थे। तो ठीक है गए, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप लोग मेरा वीडियो ऐसे देखते रहे, खूब आशीर्वाद प्यार दीजिए। तो दोस्तों फ्रेंड्स, बाय बाय। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।